ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 7 अध्याय नंबर 4 राजस्थान में कृषि विपणन और अध्याय नंबर 5 राजस्थान में व्यापार, ये दोनों अपन लेसन यहीं पर अपन डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे जो पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से कहां से कैसे प्रश्न बनता है ये मेरे द्वारा बनाए गए हस्त लिखित नोट्स है। तो चलो शुरू करते हैं इस रिविजन सेशन को। तो सबसे पहला है अध्याय नंबर 4 राजस्थान में कृषि विपणन। तो विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग करना, ठीक है ना। तो और मार्केटिंग दो प्रकार की हो सकती है, एक तो परंपरागत और दूसरी अपन डिजिटल यानी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो राजस्थान में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 1974 के अंदर। और राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए फेमस है, कोटा में रामगंज मंडी धनिया, और आपको पता है ना धनिया है जो एक जिला एक उत्पाद कोटा का है, ठीक है। और मेथी के लिए भी प्रसिद्ध है, और मेथी नागौर की ताऊसर नामक स्थान की गांव की यानी सबसे फेमस मेथी है, विश्व प्रसिद्ध मेथी है। अगले दो नाम आते हैं, एक तो MSP यानी इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपने देखा होगा हर आप प्रोडक्ट जब भी आप खरीदते हैं तो इसके बैक साइड में यानी पूरी कंपनी का विवरण के साथ जब प्राइस दिया होता है MSP, ये फुल फॉर्म रख लेना। और इसके बाद में PDS, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये PDS जिसे अपन वो होता है जो अपन राशन का सामान लेके आते हैं सरकारी जो केंद्र होता है राशन का सामान जिसे डीलर कहते हैं अपन। देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा करना क्या कहलाता है, PDS कहलाता है। और एक PDS पॉइंट ऑफ सेल, ठीक ना, इसका मतलब होता है मशीनों द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री वितरण करना। तो आजकल सबको पता है कि भाई राशन उसी को मिलता है घर में, जितने भी राशन कार्ड में जिस मेंबर का जो नाम है वही मेंबर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करेगा ना, तभी उसको जो खाद्यान्न का सामान मिलेगा। अगला प्रश्न, कृषि उपज मंडी के माध्यमों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में व्यापार, तो व्यापार कृषि आधारित उद्योग देखिए ये दो श्रेणियों में विभक्त किया गया, एक तो वृहद उद्योग जिसे बड़े कहते हैं, दूसरा लघु एवं कुटीर उद्योग। और सबसे पहले देखिए कृषि आधारित बड़े उद्योग कौन कौन से, राजस्थान में पहली सूती मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, और ये कहां स्थापना की गई थी, ब्यावर, कब, 1889 के अंदर। और वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, राजस्थान का भीलवाड़ा शहर को कहा जाता है, और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और 3-4 प्रश्न और याद करना, और राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा है, भिवाड़ी अलवर, इसे टेक्सटाइल सिटी भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। 3-4 नाम है, वस्त्र नगरी कह सकते हो या फिर मैनचेस्टर भी कह सकते हो या टेक्सटाइल सिटी कह सकते हो। और इसके बाद भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, ठीक है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है, तो कोयम्बटूर, ठीक है, कहां पे है, तमिलनाडु। तो ये आप एडिशनल जानकारी याद कर लेना। सबसे ज्यादा जो कंपनियां हैं वो महाराष्ट्र में है सूती वस्त्रों की। दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, राजस्थान में चीनी उद्योग। और कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी और दाल उद्योग। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातों को पुरस्कार किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दूसरे देशों से निर्यात कपड़ा, जवाहरात व आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक पत्थर, और ये तो अपन बेचते हैं, ठीक है ना। इंडिया का सबसे बड़ा
सॉरी राजस्थान का सबसे बड़ा जो निर्यातक वस्तु है ये आभूषण ज्वेलर्स है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो पत्थर वगैरह है, ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबंध उत्पादन, हस्तशिल्प, चमड़ा व चर्म उत्पादन, वस्त्र, अभियांत्रिक, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे सारे क्या है अपन बेचते हैं। कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई थी? 2019 के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके